मैं कतरा हो करके भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, एक मनीष कश्यप कई आंधियों पे भारी। शाम होते होते आप लोग को खुशखबरी मिल जाएगा और आपके मुंह पे कहीं ना कहीं ये तमाचा है कि सन अब यार अब सन अब भारत हो चुका। देखिए मनीष भैया के जेल से बाहर निकलने के लेके क्या कुछ तैयारी है, रिलाई होगा सिस्टम में घुस के रिलाई होगा, छोड़ा थोड़ी जाए रिलाई करने के लिए एकदम से होगा किस प्रकार से कुछ मिलेगा। जी जी, अरे हाथी घोड़ा चूटी क्या बात है, गीत हो नाले और झाल पा, अरे हाथी घोड़ा चूटी आ गीत हो नाले और झाल पा, मनीष कश्यप के स्वागत हो हुड़का के ताल पा, स्वागत हो हुड़का के ताल पा, हुड़का के ताल पा, हुड़का के ताल पा, हुड़का के ताल पा, स्वागत हो हुड़का के ताल पर। बिल्कुल ठीक है, विरोधियों के लिए क्या वो गाना गाइए जो हम लोग यूपी बिहार में स्वागत करने के लिए। वो गाना है हमारे भाई जी यूपी से, क्या बात है क्या बात है, सुनिए गोरखपुर से है। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश। अरे यूपी बिहार के सजा नागेश भैया, अरे ढोले और बाजा बजावा नागेश भैया, अरे अवतार सन ऑफ बिहार बाटे शुभ समाचार। और सुनिए, अरे की सोच के जीत भइल विरोधी लोगवा चीत भइल, सोच के जीत भइल विरोधी लोगवा चीत भइल, झूठ के हो कहिले हार ए अवतारे सन रख। देखिए एक भाव है, ये हमारे भाई का ये भाव है, और यह भाई जब से मनीष जेल में गया है तब से भाई निरंतर अपने गाने के माध्यम से मनीष के लिए कुछ ना कुछ गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि हर कोई में भावना प्रेम का होता है, लेकिन जब दुख के घड़ी में भी आपको प्रेम नजर आए ना, वो एकदम हृदय से निकला हुआ भाव कहते हैं। तो ये भाई में हृदय का भावना है मनीष के लिए, और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे जितने भी भाई हैं, आप लोग भी भाई हैं, आप लोग इतना दूर दूर से आए हैं यहाँ कवर करने के लिए, आप लोगों को क्या मतलब था, लेकिन आपने देखा है कि उस बंदे ने क्या संघर्ष किया है, उस बंदे ने आप लोगों के लिए भी संघर्ष किया है, और ये प्रेम है आपसी प्रेम। कोई अपराधी निकलता है तो इतना भीड़ किसी के लिए भी नहीं। भाई कहने का मतलब चोर के लिए शोर थोड़ी होता है, चोर के लिए शोर नहीं होता है, जंगल का शेर के लिए शोर होता है, भागो भागो शेर आया शेर आया। क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छा। जय हिंद। अभी हम लोग बेउर जेल के गेट के सामने उपस्थित है, हमारे साथ उपस्थित है हिंदू पुत्र नगेश सम्राट भैया। नगेश सम्राट भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और पूरे बिहारवासी भारतवासी को शुभकामनाएं बधाई है, क्योंकि आपके घर का लाल चाचा पितिया माई बहन जितना लोग प्यार किया मनीष को, आपका घर का बेटा आ रहा है। मनीष कश्यप जी के जेल जाने जब से उनपे केस हुआ तब से तमाम बिहार झारखंड के लोग उनके साथ है, लेकिन एक अकेला इंसान जब मनीष भैया रो रहे थे तो एक अकेला इंसान आप वहां खड़े थे, और आप पे भी FIR हुआ, और आज फिर आप जेल से गेट से निकले, आप भी यहाँ यही गेट से हमको उठा लिया गया था, प्रशासन के लोग आए थे बोले कि चलिए चलना है, तो हम चले गए थे स्वेच्छा अनुसार। भाई हमें डर किस बात का, हम क्या किए हैं ऐसा, लेकिन हमें भी षड्यंत्र के तहत भेज दिया गया था जेल, 2 महीना बाद हम जेल से बाहर निकले थे। लेकिन फर्क उससे नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि हम लोग सच्चाई के लिए आवाज उठाए ना, अपने भाई के लिए आप लोग इतने लोग आवाज उठा रहे हैं ना, क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसने गलत नहीं किया है। तो इसलिए हम सभी जितने भी बिहारवासी आप लोग जितने यहाँ आए हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। अब सबसे पहले जनता ये सवाल पूछ रही है, मनीष भैया उस दीवार से बाहर कब आने वाले? शाम होते होते आप लोग को खुशखबरी मिल जाएगा, और आप लोग जश्न के लिए तैयार रहिए, दीपोत्सव भी होगा, पुष्प वर्षा भी होगी, सब संध्या में हो जाएगा। अच्छा मनीष भैया के जेल से बाहर निकलने के लेके क्या कुछ तैयारियां है? तैयारी शाम में आपको पता चलेगा, अभी दिखाने का क्या फायदा है। अच्छा एक चीज और बताइए, तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मनीष कश्यप जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे पत्रकारिता छोड़ देंगे, चुनाव लड़ेंगे, या फिर डर गए, इन सब चीजों पे क्या कहिए? ना वो डरा है, ना ही पत्रकार बनने में उसको मतलब अब गलानी महसूस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब माइक पकड़ के सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता है, माइक पकड़ के केवल सिस्टम के लिए आवाज उठा सकता है, लेकिन सुधारने के लिए हमें प्रवेश करना पड़ेगा सिस्टम में, और सिस्टम में प्रवेश जब तक करेगा नहीं मनीष तब तक सुधार नहीं होगा। और बिहार का पब्लिक चाह रहा है कि आप सिस्टम प्रवेश करिए, वो उसका ओपिनियन नहीं है, पब्लिक ओपिनियन है ये, और मनीष अब आगे आएगा सिस्टम में और सुधार भी होगा और बिहार भी बदलेगा। कुछ लोगों को ये लगता था कि सन ऑफ बिहार को रोक देने से उसके जो उनका फैन फॉलोइंग है वो रुक गया है, तो इस 9 महीने में सन ऑफ बिहार को सलाखों के पीछे डाल के मतलब कहां तक सन ऑफ बिहार पहुंचे? पहले मनीष कश्यप को बेतिया का लोग जानता था, उसके बाद बिहार का लोग जाना, लेकिन जब से ये 9 महीने का दौर शुरू हुआ ना और NSA लगा ना,
पूरे भारत के लोग जानते हैं। और लगातार जो बंदा जेल में रह करके 7 बार 8 बार ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, समझिए कि उस बंदे में क्या दम है, उसने क्या किया है बिहार के लोगों के लिए और भारत के लोगों के लिए, बस इतना सही समझ जाइए। सन अब बिहार अब सन अब भारत हो गया, अब बिल्कुल सन अब भारत। हम आपसे पूछना चाहते हैं इस 9 महीने में जिन्होंने भी प्रयास किया सन अब बिहार को रोकने के लिए, उनके मुंह पे कहीं ना कहीं ये तमाचा है कि सन अब बिहार अब सन अब भारत हो चुका। देखिए वो एक कतरा था, मैं कतरा हो करके भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। एक मनीष कश्यप कई आंधियों पे भारी है, एक मनीष कश्यप कई भ्रष्टाचारियों पे भारी है, बहुत समझिए आप इसे समझिए कि वो क्या चीज है। अच्छा एक मनीष कश्यप कई भ्रष्टाचारियों पे भारी है। एक चीज और बताइए भैया, मनीष भैया जब बाहर थे एक शब्द बड़ा सुनने को मिलता था, भ्रष्टाचारियों को रिलाइया, ये सुनने को मिलेगा? रिलाई होगा, सिस्टम में घुस के रिलाई होगा, छोड़ा थोड़ी जाएगा रिलाई करने के लिए एकदम। अरे एकदम, जो रूप पहले था वही रूप अभी भी रहेगा, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, याद रखिएगा। अच्छा कुछ लोग ये कह रहे थे कि घायल सब शेर जब 2 कदम पीछे हट के वार करता है तो दुगनी तेजी से वार करता है, इसमें भाई वो लड़ाई लड़ने थोड़ी आ रहा है, वो बिहार का जीर्णोद्धार करने के लिए आ रहा है, बिहार को अच्छा बनाने के लिए आएगा, लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है। वह अब अपने तरीका को बदलेगा कि हमको कैसे सुधार करना है, ये जरूरी नहीं कि हम जीवन भर माइक से ही सुधार ला पाएंगे, नहीं, अब सिस्टम में प्रवेश करके वो सुधार लाएगा, इसीलिए 2 कदम पीछे हटा है और सिस्टम में प्रवेश अब जनता करवाएगी, जनता मोल देगी उसके कर्तव्यों का। मनीष भैया कौन से चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा मतलब विधानसभा का या फिर? अभी आपको बोले ना, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक तय करेगा, हम और आप केवल तय नहीं करेंगे, पब्लिक कहेगा, इतना जो 13 करोड़ की जनता है बिहार की वो तय करेगा, 13 करोड़ की जो जनता है वो तय करेगी कि सन ऑफ बिहार जो है वो किस तरीके से लोगों की सेवा करे। अच्छा एक चीज और बताइए, आप मनीष भैया काफी करीबी होते हैं, उनके घर में उनकी माँ पहले कई इंटरव्यू में देखा गया माँ रो भी रही थी, आज माँ सबरी का हृदय प्रफुल्लित हो गया होगा, जब लाल घर पहुंचेगा तो माँ का भी गाल और ललाई जो होता है ना चेहरे का, वो खिल उठेगा, देखिएगा। मनीष भैया, मनीष भैया की माँ या करण भैया यहाँ पे कब तक? अभी हम लोग कोर्ट से ही आ रहे हैं, माँ नहीं आएंगे, माँ किस लिए आएंगी, माँ सीधे घर पे, अब इंतजार होगा घर पे भाई का। तो अभी आप सुन रहे थे नगेश भैया को, जो हिंदू सम्राट नगेश भैया थे, ये कह रहे थे कि किस तरीके से मनीष भैया जेल से बाहर आएंगे, तो उनके लेके तैयारियां है, और तमाम बिहार के लोगों से रिक्वेस्ट है कि तमाम बिहार के लोग जो जहां से वही भाई के स्वागत के लिए दीपावली मनाए, भाई के स्वागत के लिए जो कुछ करना है, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे, और भी चीजें हम दिखाने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए मनीष कश्यप भाई के लिए अभी से ही जय हिंद।